आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीजर यानी कि कैंची के बारे में बताऊंगा कि आपकी कैंची जल्दी खराब क्यों होती है, धार लगवाने के बावजूद भी ज्यादा नहीं चल पाती और इसकी धार कट जाती है। तो कभी भी कैंची धार लग के आती है तो आपको क्या काम करना चाहिए जिससे कि इसकी धार बरकरार रहे और ज्यादा टाइम तक चले। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होने वाली है इसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी कैंची आपकी धार लग के आती है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके के, देखिए आप यहाँ पे हल्का सा, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो ये हल्का सा आप देखेंगे ये ऑयल है, ये हल्का सा ऑयल लगा के देते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आपकी कैंची आई, ये नहीं कि आप आए और डायरेक्ट आपने कपड़े पे कटिंग स्टार्ट कर दी। अगर आप कपड़े पे डायरेक्ट इसे स्टार्ट करते हैं कटिंग करना तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखिए। तो आपको एक पेपर ले लेना, जैसे मेरे पे ये ब्राउन पेपर है या इस तरीके की कोई शीट वगैरह ले लें पेपर की, ठीक है। बस आपको क्या करना है, धार को सीधी चले और अच्छी चले, तो इसके लिए आपको इतना इतना देखिए कैंची को ऐसे लेना है और ऐसे ऐसे बारीक बारीक कटिंग करना है। देखो जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, सेम आपको ऐसे ही कटिंग करना है। तो ये आपको कम से कम अपना 3 मिनट 4 मिनट तक इस तरीके से कटिंग कर लें। इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो आप शायद आप नहीं देख पा रहे, ये जो है ना धार, इसकी यहाँ पे जो धार होती है, देखिए इस जगह पर नाखून के पास रखा, आप क्लियर नहीं देख पाएंगे, ये धार आपकी जो है सीधी हो जाती है, जिससे क्या होता है कपड़े का रुआ वगैरह अटकता है तो ये धार कटती नहीं है। तो आप हमेशा पेपर पे इस तरीके से जो कर लें, इससे क्या होगा कैंची चलाते वक्त भी आपकी बढ़िया चलेगी। जैसे कोई कपड़ा कटिंग कर दें, जैसे इधर उधर कैंची हो जाती है, वो चीज़ की प्रॉब्लम खत्म होगी और इससे धार आपकी एकदम सीधी रहेगी। यानी आप कपड़े में जहाँ पे कैंची घुमाएंगे कटिंग करने के लिए, आपकी कैंची बढ़िया तरीके से घूमेगी। तो देखो मैंने अभी इतना कर लिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको काफ़ी देर तक ना पेपर पे ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऐसे ऐसे कैंची को पूरा खोल के इसे चलाएं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, इससे जो आपकी कैंची है ना, ये धार इसकी सीधी हो जाती है। अब जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट कपड़ा कटिंग करने में, मैं आपको वो बताता हूँ जिसकी वजह से कैंची की धार बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अभी ज़्यादा रुआ नहीं है, अभी मेरे पे कपड़ा है, मैं इसको ऐसी कटिंग कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको डायरेक्ट कपड़े को कटिंग करता हूँ तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब मान लो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया, ठीक है। कटिंग करने के बाद आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो ये जो जगह है दोस्तों, इस जगह पे जो है एक रुआ जो है ग्रीन कलर का इकट्ठा हो चुका है, शायद आपको नजर ना आता हो, ठीक है। इस साइड तो ब्लैक है थोड़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिखाता हूँ अपने हाथ पर। ये देखिए दोस्तों मेरे हाथ पे आप देखेंगे तो ये जो रुआ आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है क्लियर? तो ये जो रुआ आपका दिख रहा है हरा हरा, ये रुआ क्या करता है आपकी कैंची के धार पे आ जाता है। फिर आप जब इसे करोगे ना तो एक लोहे की पतली सी परत जो है कैंची से उतर जाती है। मेरे साथ ये कई बार हुआ है, ठीक है। और जब वो पतली परत जो उतरती है उसका कैंची सही से काम नहीं करती दोस्तों, वही आपकी धार होती है कैंची की। इसीलिए आप डायरेक्ट कपड़े पे कभी भी कटिंग मत करो, पहले पेपर पे ऐसे करो और फिर कैंची को 1-2 दिन तक जब आप कटिंग करेंगे और आपको लग रहा है ऐसे रुआ इकट्ठा हो रहा है तो आप काम करते हो, ये कपड़ा ऐसे रखें और इसको आप इस तरीके से साफ करते रहें। इसे साफ करने से दोस्तों क्या होगा, रुआ इकट्ठा होगा नहीं और आप कैंची चलाएंगे बढ़िया चलेगी। जब इसकी धार एकदम मोटी और बढ़िया हो जाएगी तो आपकी कैंची बिल्कुल भी सही चलेगी, मतलब खराब नहीं चलेगी। दूसरी बात, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो ये तरीका जो है मैं काफी टाइम से आजमा रहा हूँ इससे। अब मेरी ये जो कैंची है आप देखेंगे तो ये कैंची तकरीबन एक बार धार लगाने का अगर मैं ढंग से काम करता हूँ आराम से 5 महीना 6 महीना चल जाती है। लेकिन धार ऐसी नहीं होती 5-6 महीने की हल्की कैंची रुक रुक के चल रही है, अच्छी कैंची चल रही है और 5-6 महीने बाद मैं धार लगवा ही लेता हूँ। तो इस तरीके की कैंची आप अगर करेंगे कभी भी यूज, जैसे धार लगवाने के बाद, तो कभी भी आपकी कैंची में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसी लगी कैंची के ऊपर, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी सिलाई की जानकारी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे पेपर कटिंग्स को मंगवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।